हेलो गाइस, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है तो मन में आता है आइसक्रीम खाने का और इसे घर पे तैयार करना बिल्कुल मार्केट के जैसे बहुत ही सस्ते में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ जैसी सॉफ्ट स्मूदी आइसक्रीम बनाने के लिए ये मैंने एक कप, आप देख सकते हो ये कप, और ये कप है ग्राम्स के अंदर, आप देख सकते हो ये 180 ग्राम का। तो ये 180 ग्राम हमने दूध लिया, ml 180 ml हमने दूध लिया है। और इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिएगी शुगर, और ये है GMS पाउडर 1 टीस्पून, और इसको मैंने इसी स्पून से मेजर किया है। तो इसी स्पून से हमने GMS पाउडर लिया 1 टीस्पून, और ये है CMC पाउडर, यह 1/4 टीस्पून। ये मार्केट में आता है आइसक्रीम के लिए ही आता है, और देखिए इस तरह से आता है CMC पाउडर। और ख़ास तौर से आप देख रहे हो नीचे आइसक्रीम के लिए ही ये आता है, एकदम फ्लफी आइसक्रीम बनती है, एकदम से सॉफ्ट बटर स्कॉच जैसी। और ये मैंने लिया है 1 स्पून कॉर्नफ्लोर। तो अब ये लगभग 200 ml दूध, और ये लिया है 2 चम्मच मैंने मलाई, आप देख सकते हो ये दूध वाली मलाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर को मलाई के अंदर डाल देंगे, उसके बाद CMC पाउडर को डाल देंगे, उसके बाद GMS पाउडर डाल देंगे, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पून की सहायता से हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा थिक हो गया है तो इसके अंदर से थोड़ा सा दूध आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और अब इसे 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 5 मिनट तक। इस तरह से होना चाहिए कि आप बैटर को अच्छे से ऐसे मिक्स कर सको, इस तरह का बैटर होना चाहिए। आप चाहे तो कोई थोड़ा बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, पर मैं चूंकि इसी के अंदर इसको इस तरह से मैश करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इनको। तो 5 मिनट लगेंगे आपको इस प्रोसेस में, और जब तक मैं इसको मैश करती हूँ तब तक जो गैस के ऊपर दूध है वो हम गर्म कर लेते हैं, उसके अंदर शुगर मिला लेते हैं। मैंने पाउडर नहीं लिया है, दाना शुगर लिया है, तो शुगर मिला करके उसको तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने पतीला टिका दिया, और इसमें डाल देते हैं ये वाला दूध, और इसको गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये शुगर डाल देंगे, और जब तक दूध गर्म होता है तब तक हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। एकदम स्मूदी चिकना कर लेना, आपको देख सकते हो आप इसकी कंसिस्टेंसी। और मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से मिक्स करूंगी। इस तरफ दूध जो है वो गर्म हो गया है, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं शुगर। जितना आप मीठा पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग शुगर डाल दीजिए। मैंने इस चम्मच से 1.5 चम्मच शुगर डाल दी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी तो हम अपने जो इंग्रेडिएंट्स जो हमने बैटर को तैयार किया हुआ है, मलाई के अंदर जो पाउडर घोल के रखे हैं, वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो शुगर लगभग मेल्ट हो गई है। एक मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और सारा जो बैटर है उसको हम डाल देंगे पतीले के अंदर। तो ये देखिए, सारी बैटर को मैंने अच्छे से डाल दिया है, और इसका भी जो
उतार लेते हैं और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, एक से दो मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बैटर जो है वो गाढ़ा हो गया है और इसमें एक उबाल आ गया है। तो अब हम गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम फ्रीज में जमा लेंगे और फ्रीज में जमाने के बाद मैं आपको इसकी आगे की प्रोसेस बताऊंगी। जैसे ये ठंडा हो जाता है, किसी भी बर्तन में डाल करके आप इसको फ्रीज में रख दें और इसको 3 से 4 घंटे तक जमने दें। तो आप देख सकते हो जो बैटर है वो ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे जमने के लिए रख देते हैं। सारा पोंच करके इसके अंदर डाल देंगे। तो हम इसे 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए। तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम जो है वो जम करके बिल्कुल से रेडी है। तो ये मैंने लिया एक बड़ा सा बाउल और इसके अंदर हम आइसक्रीम को निकाल करके ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये व्हिपिंग मशीन, इससे हम इसको व्हिप करेंगे। तो सबसे पहले अभी ये थोड़ी चिल्ड है, थोड़ी सी 5 मिनट के लिए इसको वेट करते हैं। उसके बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और बाउल के अंदर डाल लेते हैं। तो मैंने आइसक्रीम को बाउल के अंदर डाल दिया है और अब लेंगे हम व्हिप मशीन और इसे हम इसकी व्हिपिंग करेंगे। तो आप अच्छे से देख रहे हो, स्टार्ट में थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि अभी आइसक्रीम है और धीरे धीरे ये इस तरह से मिक्स होती जाती है। जैसे जैसे आप इसको मेल्ट करते जाओगे ये इतनी फ्लफी और इतनी स्मूथ और इतनी चिकनी हो जाती है कि बस आप मत पूछिए। तो आप देख सकते हो किस तरह से व्हिपिंग होकर के एकदम से, जैसे मार्केट का हम फेमिली पैक लेते आते हैं अमूल की जो बटर स्कॉच आइसक्रीम होती है, ठीक वैसा टेक्सचर इसका आ जाता है। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया स्मूथ, एकदम से चिकनी। मुझे तो फर्स्ट बार में बनाया था तो मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हुआ था कि वास्तव में ये इतनी फ्लफी और ये डबल से भी ज़्यादा कितनी बढ़ जाती है, एकदम से फ्लफी हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हो व्हिपिंग मशीन की सहायता से जैसे क्रीम होता है ना, वैसे फूल करके बहुत सारी हो जाती है, ढेर सारी क्वांटिटी में ये तैयार हो जाती है। तो इसको मैंने लगभग 5 मिनट तक और अच्छे से व्हिप किया है तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्सचर में आ गई है और एकदम से गाढ़ी गाढ़ी और एकदम व्हिप होकर के तैयार हो गई है। तो अब आप देख सकते हो इसका टेक्सचर आधी से भी ज़्यादा बाउल भर गया है, एकदम से फ्लफी हो गई है। तो अब मैंने लिया है ये दो, देखिए आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े बाउल और जो हमारा बैटर है इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए ज़रा, एकदम से गाढ़ी और इतनी बढ़िया तैयार हुई है। अब हम इसको फॉइल पेपर से कवर करके और फ्रीजर के अंदर रख देते हैं लगभग 6 घंटे के लिए। फॉइल पेपर इसलिए लगाते हैं ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना आए। हमारे आइसक्रीम जम करके बिल्कुल से रेडी हैं तो अभी हम इनको खोल लेते हैं, हटा देते हैं। इसके ऊपर क्या है, इसको लगाने से जो आइस क्रिस्टल है वो नहीं आते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया, जैसे हम फेमिली पिक लेते आते हैं ना वैसे आप यहाँ से देख सकते हो। इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए जैसे कि हम फेमिली पिक लेके आते हैं ना वैसी की वैसी बनी है। और मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी, ये भी खोल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम जम करके रेडी हुई है और ये लगभग 4 से 6 घंटे में बिल्कुल से तैयार हो जाती है। अब देखिए हम इसको ये निकाल लेते हैं, यहां से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, देख सकते हो सॉफ्टनेस कितनी सॉफ्ट है ये। ये देखिए एकदम से, और एक फीमेली पेक जितनी आइसक्रीम हमने सिर्फ एक बाउल से जमाई। आप देख सकते हो
ये इतनी सारी आइसक्रीम और ये इतनी सारी आइसक्रीम, यानी दो दो बाउल जमाई है, एक फीमेल पिक लेके आते हैं, बिल्कुल उतनी बराबर की है और आप देख सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप भी इस तरह की आइसक्रीम अपने घर पे आसानी से जमा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।